हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। वन न्यू अपडेट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट फॉर दोज हु हैड अप्लाइड फॉर दीज कोर्सेज इन GGSIPU यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों का राउंड टू का स्केड्यूल आ चुका है। आज आप लोगों की लास्ट डेट थी अपनी 40,000 जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो पे करके सीट को फ्रीज करने की या फ्लोट करने की। तो ये मैं किन कोर्सेज की बात कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। दीज आर MCA NIMCET के बेसिस पे इंटीग्रेटेड BA LLB ऑनर्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट मास्टर ऑफ एजुकेशन MEd स्पेशल एजुकेशन के अंडर और बैचलर एजुकेशन यानी कि BEd कोर्स। तो ये जो आपके सिक्स कोर्सेज हैं इनकी आज आपकी यानी कि 16 अगस्त 11:50 PM तक आपकी लास्ट डेट थी 40,000 पे करके अपनी सीट को फ्रीज कर लेने की या फ्लोट कर देने की। फ्रीजिंग फ्लोटिंग क्या होता है सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया था एंड द डेट वॉज ऑल्सो क्लियर। तो अब जो आपकी डेट आई है वो आई है राउंड टू की। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, ये लोग मिड एंट्री अलाउ कर रहे हैं। मिड एंट्री उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने 40,000 पे नहीं करा था, बट उन लोगों के लिए जिन्होंने सबसे पहले 1,000 रुपीज़ काउंसलिंग फी पे नहीं करी थी, किसी रीज़न की वजह से उनकी मिस हो गई थी वो फ़ी पे करना। तो वो अब फ़ी पे कर राउंड टू में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। राउंड टू उन्होंने अटेंड नहीं किया है तो कोई बात नहीं, दे कैन जस्ट पे काउंसलिंग फ़ी विच इज़ 1,000 रुपीज़ नाउ एंड दे कैन टेक डायरेक्ट एंट्री इन राउंड टू। राउंड टू में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, बट आप काफ़ी सारे सीट्स राउंड वन में फिल हो गई थी तो आपकी रैंक अच्छी भी आई हो तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ बेटर कॉलेज। तो जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा वो यूनिवर्सिटी अलॉट कर देगी, बट यू हैव द ऑप्शन कि आप 1,000 रुपीज़ अब फी पे कर उसको अपना राउंड टू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने राउंड वन में कॉलेज अलॉट हो गया था और उन्होंने 40,000 पे फी पे नहीं करी थी, उन लोगों के लिए आई एम सॉरी टू से वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं करी है, अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी तो 11:50 नहीं हुए हैं, तो आप ट्राई कर लीजिए, अभी आप पे कर लीजिए क्योंकि इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। इट इज़ वेरी नेसेसरी। कई लोगों को विड्रॉल का डाउट है तो विड्रॉल हो जाता है राउंड थ्री तक, आप कर लें विड्रॉल तो आपको 40,000 वापस मिल जाएंगे। तो आप पे ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है तो। फ्लोट करने के लिए भी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ नेसेसरी। बाकी जो उन्होंने 1,000 रुपीज़ फी पे नहीं करी थी वो 22nd तक आपकी फ़ी पे कर सकते हैं। और राउंड टू की जो आपकी डेट है वो होगी फिर अब 23 तक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे उनके जो आप 1,000 रुपीज़ फी पे करेंगे। तो आपकी चॉइस फिलिंग्स और प्रेफरेंसेस दोबारा होंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कई लोगों को डाउट था कि मेरी चॉइसेस चेंज हो रही हैं तो क्या करें, तो आपको दोबारा चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो 24 तक उसकी आपकी लास्ट डेट रहेगी। और जिन लोगों को चॉइस फिलिंग में चेंजेस नहीं करने हैं तो आपकी पहली वाली चॉइस फिलिंग भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव द ऑप्शन अगेन आप दोबारा से चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर सकते हैं एंड दिस इज़ कंपलसरी, आपको करना ही है। चाहे आप पहले वाली चॉइसेस डालें चाहे चेंज करके डालें, बट करना कंपलसरी है। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग हर राउंड के लिए दोबारा होती है। तो उसकी आपकी डेट रहेगी 24 तक। जैसे आपने चॉइस फिलिंग लॉकिंग पहले करी थी वैसे ही आपको अभी भी करना होगा, ओके। और फ्रीजिंग फ्लोटिंग फिर राउंड टू की जो आपकी आएगी वो 29 तक 11:50 PM तक आपकी डेट होगी। फ्रीजिंग फ्लोटिंग आप फ़ी पे करने के बाद ही कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली फ़ी पे भी आपको 29 तक ही करनी है 11:50 PM तक। और उसके बाद जो राउंड टू के एडमिशन्स विड्रॉ करने की डेट होगी वो 30th तो होगी 11:50 PM तक। राउंड वन में भी जो 40,000 फ़ी पे कर चुके हैं वो भी अब जाके फ़ी विड्रॉ कर सकते हैं, अभी करना वो चाहें तो, कहीं और यूनिवर्सिटी का वो वेट कर रहे थे उसका आ जाता है आपका कॉल तो आप यहाँ पे फ़ी विड्रॉ कर सकते हैं। और राउंड थ्री में भी आपको विड्रॉल का चांस मिलेगा, तब भी आप फ़ी विड्रॉ कर सकते हैं, बट राउंड थ्री के बाद आपका रिडक्शन शुरू हो जाता है। राउंड थ्री तक आपको 40,000 पूरे वापस मिल जाते हैं, ओके। तो रिजर्वेशन का आपको नोटिस पहले बता जा चुका है और चॉइस फिलिंग का सारा इंस्ट्रक्शन है आपका। रिजल्ट एलोकेशन ऑफ सीट 40,000 जो पे करेगा अगर सीट अलॉट हुई है तभी उसको नेक्स्ट राउंड में जाने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। और सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप राउंड टू में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो अपना यहाँ पे रिजल्ट देख लीजिएगा और फिर आपको 40,000 पे करने होंगे। विड्रॉल का ये पॉलिसी है, 40,000 आपकी विड्रॉल डेट तक विड्रॉ हो जाते हैं, ओके। तो दिस इज़ द नोटिस फॉर ऑल दिस 5 कोर्सेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है, तो आप ये डेट्स नोट कर लीजिएगा। और अब आपने काउंसलिंग फ़ी पे नहीं करी थी तो यू कैन पे इट नाउ। और जो लोग राउंड टू का वेट कर रहे थे आप लोगों की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो सीट अलॉट हुई थी आपने 40,000 पे कर दिए थे तो यू कैन जस्ट वेट फॉर योर न्यू कॉलेज टू बी अलॉटेड। और आपने फ्रीज कर दिया था तब तो ये आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है,
आपकी फ्रीजिंग हो गई है, राउंड थ्री तीनों कंप्लीट होने के बाद आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाएगा, दैट नोटिस विल बी गिवन बाय मी। और बाकी जिनको सीट अलॉट हुई थी वो कॉलेज चेंज का वेट कर रहे हैं, तो ये कॉलेज विल बी चेंज नाउ, और जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था उनको भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा, और अब आपको 40,000 पे करने होंगे, दोबारा नहीं करने हैं पे। कई लोगों का ये डाउट आता है, आप एक बार 40,000 पे कर चुकी हैं, फ्लोट किया था या फ्रीज किया था, जो भी है दोबारा आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो बाकी की बची हुई फीस है वो आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे करनी होगी, वो नेसेसरी होती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू एडमिशंस, एंड शेयर इट विद एनीवन एंड एवरीवन हु इज एस्पायरिंग टू टेक एडमिशन इन टू दिस यूनिवर्सिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विश यू हैव अ ग्रेट डे।